बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और बस वन शुड कंग्रेचुलेट इंडिया एंड अप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया, मेहनत की। देखें, हमारा तो ये यकीन है कि दुनिया में जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा आगे निकलेगा, जो बंदा एक्सीलेंस शो करेगा, बिल्कुल शाबाश उसी बिल्कुल को मिलनी चाहिए, वो कोई भी। तो वो, और दुनिया में वो कहते हैं टॉप पे भी वही आता है जो मेहनत करता है। वो इंडिया करे, वो सोमालिया करे, वो अमेरिका करे, वो ग्रेट ब्रिटेन करे, ये। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह आए दिन भारत के बारे में बातें करता रहता है, और बात जिस तरह से, जिस रफ्तार से अब इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह मेक इन इंडिया पर इंडिया बात काम कर रहा है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन चर्चे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात अब बिल्कुल दूसरी तरफ खस्ता होते हुए जा रहे हैं, और पाकिस्तान आए दिन डिफॉल्ट के करीब पहुंच रहा है। और जिस तरह अब भारत, अब चाहे सैन्य मामलों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, इंडियन आर्मी जिस तरह नए नए हथियारों से लैस हुई है, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया काफी चर्चा करता रहता है। उसके बाद मेक इन इंडिया और जो तरह तरह की पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में आए दिन अपनी चर्चा करता है। लेकिन अब 5G को लेकर जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसकी जो एक भाषण दिया था, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सहमा हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में भारत के कुछ बड़े शहरों में अब 5G सब स्टार्ट होने वाला है, और वह दुनिया का सबसे सस्ता 5G होगा। और एक तरफ इंडिया जहां पर अपने मोबाइल मैन्युफैक्चर करने में भी अब हब बनता हुआ जा रहा है, और 200 से ज्यादा कारखाने अब भारत में ऐसे लग चुके हैं कि जहां पर मोबाइल बनते हैं, और दुनिया भर में मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया दूसरा देश है, दूसरा देश बन चुका है। तो इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए कमर चीमा किस तरह चर्चा कर रहा है। समित वीर के साथ इसी को लेकर एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार डिबेट है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो। बहुत शुक्रिया सुमित। तो भाई, आज आपसे दो बातें करनी है। पहली बात करनी है ये जो 5G इंडिया के अंदर, सुना है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और ये क्या 5G इंडिया ने लोकली डेवलप किया है, और पता नहीं चला है कि शायद कुछ शहर हैं जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, इस तरह के जो कोलकाता वगैरह, वहां पे ये आ रहा है, तकरीबन 13 शायद शहर हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 5G जो है, ये क्या, हाउ इज इट गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, इंडियाज टेक इंडस्ट्री में ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये क्या इंडिया ने खुद किया है या कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है? जरा हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। सबसे पहले चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनॉग्रेशन हो चुका। आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइम, इनॉग्रेशन हो चुका, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज़ नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं चीमा साहब। देखिए चीमा साहब, है क्या, 5G जो अभी डेवलप हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफ़ी खास सारा कंपोनेंट हमारा, हमने एज इट इज़ कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाया, वी हैव ज्वाइंट इट, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ज्वाइंट डेवलपमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट इन टू इट, दैट इज पॉइंट नंबर वन, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताऊँ चाहिए साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं किया, जियो भी अपना रोल आउट करेगा, और अभी तो खैर आज 8 स्ट्रीम में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्रीम हो जाएगा बाई December 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी, और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब दो चार पांच चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ, कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। दो चार आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो तीन चार पांच कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। चार पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, दो टा डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड है, और चौथी चीज़ है कि आप इसमें से कितने, आप इस पर क्या क्या चला रहे हैं, मतलब मोटा मोटा, मैं I'm talking in a layman's language, what all can be run on it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो, which is the first and important thing, is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर टू मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। We are the number two company exporting mobile sets in to the world. 2014 की बात करते हैं, केवल जब हम मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल दो कारखाने थे मोबाइलों के, दो कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए।
दो कारखाने थे, अब 200 कारखानों की एक ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडिजिनियस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, इकोनॉमिक जो स्केल आए। और आप ये भी आपको अच्छा लगेगा जान के कि जब ये सेमीकंडक्टर वगैरह का सेटिंग बैठ जाएगी हमारे यहाँ, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन विल बी चीपर देन द चाइनीज मोबाइल फोन, देन वी विल वैक द होल चाइनीज मार्केट। दिस आई एम टेलिंग यू टुडे, बिकॉज बाय दैट टाइम वी विल हैव द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वी विल हैव द सेमीकंडक्टर विद अस, एंड मार्केट तो हम बना ही रहे, क्या नंबर टू तो आ ही गया दुनिया में, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वन शुड कंग्रेचुलेट इंडिया एंड अप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया, मेहनत की। देखें, हमारा तो ये यकीन है कि दुनिया में जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा आगे निकलेगा, जो बंदा एक्सीलेंस शो करेगा, शाबाश उसी को मिलनी चाहिए, वो कोई भी। तो वो और दुनिया में वो कहते हैं टॉप पे भी वही आता है जो मेहनत करता है, वो इंडिया करे, वो सोमालिया करे, वो अमेरिका करे, वो ग्रेट ब्रिटेन करे, ये कुदरत का कानून है, मेहनत करने वाले ही आगे जाएगा। लेकिन अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट? सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है। 2014 के आसपास हम बात करें, 1 GB डाटा, 1 GB डाटा करीब 300 से 400 रुपये था 1 GB डाटा। अभी ये 1 GB डाटा 10 रुपये का है, 300 से 400 रुपये, 10 रुपये 7 सालों में, 200 कारखानों से 200 कारखाने, ठीक है जी। और जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में, आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़, एंड द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इज 85 करोड़। 85 करोड़ लोग को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। आप देखिए हाउ द नंबर्स हैव चेंज्ड इन 7-8 ईयर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। अब मोबाइल, बिकॉज हम इतने मोबाइल फोन बनाने लगे तो इक्विपमेंट अब सस्ता ही रहा, खैर इक्विपमेंट सस्ता ही रहा, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना को उससे कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को पछाड़ रहे बहुत मार्केटों में। और अब आप भाई कनेक्ट, मैंने आपको बताया सर्विस अवेलेबल कितनी है, कनेक्टिविटी क्या है। अब हमारे इस पर एप्लीकेशन क्या हमने चलाई, मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, सर्विस अवेलेबल। जब कोविन चला, आपको याद होगा एक डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत वायरल वीडियो हुआ था, कह रहे मैं उनके बेटे यूएस में रहते हैं, कह रहे भाई मैं यूएस गया था, आई वेंट टू सी माय सन, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने बोला कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ, तो मेरा बेटा तो वो पर्चा वर्चा निकाल पेपर ये दिखा रहा था, कह रहा आई शोड माय फोन, आई शोड माय फोन, मेरे फोन में सब कुछ था, वहाँ यूएस में पर्चे वो कागज प्रिंट आउट वाला सिस्टम था, हमारे पास फोन में सब कुछ था। हमारा कोविन एप्लीकेशन 40 से 50 घंटे यूज करी, हमने ओपन सोर्स कर दिया, दे आर मैनेजिंग कोविड विद इट। डिजिटल इंडिया का इतना पावरफुल रहा चीमा साहब, जब पेंडेमिक हुआ ना, वैक्सीनेशन से लेके खाता, बैंक सब्सिडी सब आई, किसान सम्मान निधि जो हमने किसानों को देते हर क्वार्टर में, हजारों करोड़ रुपया, एंड सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू आर एबल टू सेंड टू द अकाउंट्स ऑफ पीपल बाय वन क्लिक, एक क्लिक हजारों करोड़ आ गया। अब ये दिस इज हाउ द डिजिटल इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। अगर आप बात करें अब व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ 5G, मोटा मोटा 5G की बात करें, बाई 2027 अराउंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5G मार्केट विल बी वर्थ मोर देन $50 billion, $50 billion ओनली इन इंडिया। दो दुनिया की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल। और नौकरियों की बात करें, अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम कमीशन ऑफ इंडिया विल बी एबल टू क्रिएट 22 मिलियन स्किल जॉब्स, 2 करोड़ 20 लाख स्किल जॉब्स, 22 मिलियन स्किल जॉब्स, दिस इज द क्वांटम। एंड व्हाट कैन वी रन ऑन इट, आप बोलोगे यार ये तो ठीक है आप चलाओगे क्या, ज्यादा स्पीड इंटरनेट पे आएगी तो ठीक है वीडियो हमारा अच्छा जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, एंड दीज ऑल द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस वेयर यू डोंट नीड अ डिवाइस, वेयर एवरीथिंग कैन रन ऑन क्लाउड, AR, VR, टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्वेलेंस, और IoT इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिलेगी विद दिस काइंड ऑफ डाटा, बिकॉज IoT इज एज गुड एज द अमाउंट ऑफ मेटा डाटा यू आर एबल टू फीड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट? अब जब इतनी ब्रॉडबैंड हमें पाइप्स मिलेगी, हमारे हाईवेज पे सर्वेलेंस, हमारा मोहल्ले हमारा नाइट विजन, हमारे बॉर्डर्स पे सर्वेलेंस, हमारा हर जगह कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस जो भी है, इवन फ्रॉम द सिक्योरिटी अपराटस, इवन लुकिंग एट द ट्रैफिक सिचुएशंस, इवन मॉनिटरिंग लॉट ऑफ थिंग्स यू नो ऑन एंड और द ब्रॉडकास्ट और जो टेलीकॉम की कैपेबिलिटी, वो तो एनॉर्मस जाएगी। हमारे पास जो हम पहले डाटा अभी हम जो यूज करते पर इंडियन अभी 14 GB डाटा यूज करता है, दिस माइट गो अप टू 10 times। अभी हम 14 GB ऑन एवरेज यूज करते हैं, बस दिस माइट गो टू 10 times, एंड स्टिल एट 400 to 500 rupees दिस विल बी द चीपेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। और बहुत जल्दी क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे बोले यार ये मॉडल हमें दे दो, आप हमारे यहाँ दुकान खोल लो, क्योंकि इतना सस्ता इंटरनेट, इतनी चीजें हमारे पास है नहीं, किसी के पास है नहीं, और दब विल हैव द इकोनॉमी ऑफ स्केल्स विच विल एनेबल अस टू डू इट। सो इट्स अगेन गेम चेंजर, अगेन 100-200 बिलियन डॉलर का हमने एक और पैक डाल दिया अपनी इकोनॉमी में,
विद टाइम इट विल कम, बिकॉज कॉन्सेप्ट अलोन इज $50 बिलियन, और ये जो मैंने आपके सर्विसेज बनाए, जो एंसिलरी इंडस्ट्री बनेगी, जो चीज़ें बनेंगी जो इसके साथ आएंगी, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी अनदर 100-150-200 बिलियन डॉलर्स. तो एक 200-250 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब आज हमने खड़ा कर दिया. एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री. हम फ्रेट कॉरिडोर्स बना ही रहे, गति आपने देखा ऑपरेशन गति चल रहा है हमारा, सागरमाला भारत माला चल रहा, विल बी डबलिंग अवर एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स थ्रू सी. ये सब चीज़ें चल रही. जो हम कंबाइंड डेवलपमेंट की बात करें, जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट एट द क्वांटम लेवल ऑफ अ कंट्री, दिस इज द आइडिया. और वेरी सून वी हैव टेकन अ प्लेस टुडे, वी विल हैव इंटरनेट फॉर एवरीबडी, इंटरनेट फॉर एवरीबडी एवरीवेयर. आप पहाड़ पे हो, जंगल में हो, झरने के पीछे रहते हो, या टपरी के नीचे रहते हो, आप सबको इंटरनेट देंगे, और इंटरनेट से दुनिया को, अपने लोगों को दुनिया जहाँ से कनेक्ट करेंगे. और इंटरनेट इज नॉट कंट्रोल्ड एरिया, चाइना नहीं है, पूरा फ्री इंटरनेट है, जो मर्जी जो देखें, जो मर्जी जो चलाएं, और जो मर्जी जो करें. This will be an enlightenment for our population. This is a new revolution which we are bringing. और हमने इसमें कुछ चीज़ की थी, मतलब आपको जानकर भी बेहद खुशी होगी, इसके जितने components हैं, जितनी चीज़ें, वो हम अपने MSC में से बनाएंगे, सॉफ्टवेयर छोटे मोटे कंपोनेंट, उससे क्या होगा, MSC में भी काम मिलेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, जो है, देखिए कॉन्सेप्ट हम बना पाएंगे, डेवलप हम, मैनुफैक्चरिंग हम करेंगे, टेस्टिंग हम करेंगे, और जो पार्ट था एनहांसमेंट का, वो पार्ट भी हम ले रहे हैं, और हमारे इन एमएसएमएसईज के माध्यम से विल बी एबल टू कंट्रोल कॉस्ट एंड विल बी आल्सो एबल टू हैव अ ट्रैक ऑफ द टेक्नोलॉजी, और उसके साथ हम टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करेंगे और दोनों से बेहतर बनाएंगे. और मेरा ये मानना है 3-4 सालों में दिस विल बी एक्सपोर्टिंग दिस टेक्नोलॉजी टू द होल वर्ल्ड. ये आज हुआ है, और मैं आपको बताऊँ, सुनील मित्तल है जो एयरटेल के ओनर है, उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा. आज मैन्युफैक्चरिंग हब छोड़िए, आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं कह रहा था शुरू में, it is not the decade of India, it is the century of India, and I have quantified with fact, figure, data, and all the relevant information, I think which will help to put my case forward and in the context of it. तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब 5G आने के बाद पाकिस्तान में तो अब लगता नहीं है 5G छोड़ के 4G भी या 3G भी जिस तरह पाकिस्तानियों को मिलना नसीब हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान अब बिल्कुल आए दिन डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा, और पाकिस्तान जैसे तैसे इधर उधर से कहीं मांगने के जुगाड़ में आए दिन पाकिस्तान देखता रहता, और अब जो बाढ़ पीड़ितों का ढोंग करके एक पाकिस्तान पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी ज्यादा कामयाबी हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है. तो सिवाय भारत के चर्चे करने के पाकिस्तानियों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है. तो दोस्तों हम पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.